नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नए इनिशिएटिव को लेकर आई हूँ जिसका नाम है ऑनलाइन काउंसलिंग क्लब फॉर पीपल, राइट। तो ये काउंसलिंग क्लब हर उस व्यक्ति के लिए है जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में थोड़ा ठहरा हुआ है या स्ट्रगल कर रहा है, या जिसको लगता है कि उसको एक ऐसे ग्रुप की ज़रूरत है, एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो उसको मूव ऑन करने में हेल्प करे, राइट। तो लाइफ में हम डिफरेंट स्टेजेस से होके गुजरते हैं। कभी पढ़ाई हमारे लिए एक मुद्दा होती है तो कभी शादी एक मुद्दा होता है, कभी नौकरी एक मुद्दा होता है तो हमारे कलीग कई बार हमारे लिए मुद्दे बन जाते हैं, कई बार घर के रिश्ते या कई बार खुद व्यक्ति हमारे लिए एक मुद्दा बन जाता है, कई बार खाना बनाना एक मुद्दा बन जाता है, तो कई बार बच्चों को कैसे पालना है ये एक मुद्दा बन जाता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करते हैं अगर हमको ये नहीं पता कि इनके साथ डील कैसे करना है, क्योंकि पूरे संसार में कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस के साथ किस तरह से कोप अप करना है ये बताती हो, राइट। तो वी डू टेक अकेडमिक डिग्रीज इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, न्यूट्रिशन, यू बिकम डॉक्टर, यू बिकम इंजीनियर, यू बिकम टीचर, बट देर इज़ नो सिंगल डिग्री विच टेल्स अबाउट हाउ टू डील विद डे टू डे लाइफ, हाउ टू डील विद रिलेशनशिप, हाउ टू डील विद योर ऑन गोइंग अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, हाउ टू सस्टेन विदाउट, यू नो, हाउ टू सस्टेन इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट विदाउट गेटिंग डीमोटिवेटेड, हाउ टू प्रिजर्व योर रियल यू, राइट। सो वी नीड काउंसलिंग सर्विसेज। एंड इफ यू सी सिंस द बिगिनिंग, हम जब जन्म लेते हैं हमारी माँ हमारी सबसे अच्छी काउंसलर होती है, हमारे फादर हमारे बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, कई बार दादी दादू चाचा चाचू जो भी फैमिली के लोग, कोई ऐसा एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हैं टाइम की कमी हो जाती है, तो हर वो व्यक्ति जो हमसे बहुत जुड़ा होता है, हम पे अपना वक्त देता था, उसकी भी प्रायोरिटीज चेंज होती हैं और कहीं ना कहीं हम अकेले पढ़ना शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ वेयर वी नीड समवन प्रोफेशनल टू हेल्प अस, राइट। तो ये उसी तरह है कि आपका एक दोस्त पानी में कूद रहा है, राइट। आप पूरी कोशिश करते हैं उसको पानी से निकालने की, वहाँ तक जहाँ तक आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप खुद डूबना शुरू हो जाते हैं आप उसको छोड़ देते हैं। दैट इज़ वेयर यू नीड अ प्रोफेशनल पर्सन टू सेव यू एंड टू सेव योर फ्रेंड फ्रॉम, यू नो, गेटिंग डिप इन द वॉटर, राइट। तो आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर। अब आपको लगेगा कि ये काउंसलिंग सर्विसेज मैं क्यों प्रदान कर रही हूँ, मेरा इससे क्या सानिध्य है और मुझे इसकी ज़रूरत ही क्यों है। So let me tell you that I being a student of social work counseling. Yes, I'm doing a master's in social work counseling, and I'm in like the last month of my post graduation, going to do some, you know, some practical work, and that is completely free of charge. So these services are available completely free of charge for the people who have some trust on me that I can help them to move out for their better future. I can help them to, you know, come out of their, you know, struggle to maintain their job, their professional development, the type of parenting they do, the type, the way they maintain their relationship, the way they maintain their mental health, stress, and how to cope up with a healthy lifestyle, right? So, ab aap sochenge ki to counsel someone, I should know that the person who is going to give me the counseling, what is the background she's carrying, right? So I will give you a quick profile, what is all about my academic achievements and my professional achievement in terms of helping you as a counselor, right? So I'll just quickly give you my profile. So I have taken my entire education from government system of education, that is from Uttar Pradesh, from Bareilly, and after that I went for my graduation in to Agra. And I did complete my BSc Home Science Honours from the Dalbagh University, Agra, with a gold medal in 2006. Then there only I did went for BEd, that is Bachelor of Education, that's a professional degree to become a teacher. And after that, I happened to serve three big companies, which is IBM, Barclays, and EXL Services. And then I joined Basic Education Department, right? And since then on, the moment I did realize that I need to get some expertise or I need to get some information about a particular field, I went on doing a course, right? So I did a postgraduate diploma in Master of Business Administration in HR from Symbiosis University, Pune. That's again an online course.
right? Then I did realize that I need to complete my post-graduation in the same field. So I went on doing MSc in Dietetics and Food Service Management from Delhi. Then I went on doing a master's again in public administration. And then I did realize that I need to work for language. It is a need of the department. So I went on doing a certification in English teaching. Then after doing the English teaching, I did realize, you know, I need to have some competency over other languages too. So I went on doing a certification in French from IIT Delhi. And presently I'm in the last month of the professional degree, Master of Social Work Counseling. Right, so I hope this is it. And if you talk about my achievements, I won't go into details, but two achievements, I think they are like worth quoting here. So last year I did represent Basic Education Department for the first time in last 54 years at an international platform at IIFL Liverpool, UK. Right, and this was the first ever exposure of a primary teacher from Uttar Pradesh. And even I could see that there were no one like from Basic Education Department, right? So it was a delegation of 35 people, and it was through a competition that's called International Association of Teachers as a Foreign Language, that's IIFL 2019. And it was an international scholarship. I did win it, and I got the opportunity to represent my state, my country, right? And apart from that, for the extraordinary contribution which I have made in the field of English at basic level of education, I was awarded by the Teachers Award on 4th of September by respected Yogi Adityanath ji, right? So that is it, right? So apart from that, I've been a trainer at Block State District, and I feel privileged to teach people and to interact with people to make a difference to their life, right? So this is a little bit about myself, the academic tribute I have, or the achievements I have in terms of supporting you as a counselor. So people who do trust me that I can help them with counseling part in terms of how to manage your family, how to manage your profession, how to grow professionally, how to deal with unhealthy competitive environment, how to deal with the challenges of parenting, how to deal with the relationship, how to cope up with the bad habits like substance use or the, you know, liquors and all. So it is all open for you. This is an initiative which is going to help through online mode of interacting. So there would be one class a week that will focus on group counseling, wherein we will have topic for the day. For example, tomorrow we have a session, and we keep the topic as how to grow professionally without being a part of unhealthy competition. So that would be a topic. You would be coming up with your own views, and I would be coming with some expertise advice on that particular topic. What are the different methods which can help a person to, you know, not being a part of unhealthy environment, or kis tarah se hum apne aap ko kisi unhealthy competitive environment se bachate hue grow kar sakte hain, kis tarah se apne real me ko hum preserve karte hue apne profession ko apna passion mein convert kar sakte hain. To ye group counseling mein hoga, topic hoga, us pe hum baat karenge. Wo kya topic chune wo mere aur aapke dono ke mutual consensus ke basis pe hoga. Iske alawa once in a week hum individual conferences karenge, और वो एक कॉन्फ्रेंसेस एक हफ्ते में केवल चार लोगों की होंगी, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे होंगी. वो उन्हीं लोगों के लिए होंगी जो ग्रुप में ऑलरेडी हैं. तो वी विल आस्क फॉर द पीपल कि कौन इंडिविजुअल काउंसलिंग के लिए आ सकता है, जो पूरी तरीके से प्राइवेसी को मेंटेन करेंगी, प्रोफेशनल होंगी, और वो केवल मेरे और आपके बीच की बात होगी, राइट? तो कोशिश करते हैं कि इस नए इनिशिएटिव को एक नए आयाम पे हम लोग ले जाएं. और मैं अपनी जो भी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, और जो डिफरेंट फील्ड का जो एक्सपीरियंस रहा है मुझे, और जिस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, बिकॉज इन लास्ट टू इयर्स, मोर देन टू इयर्स, आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद किड्स, विद टीचर्स, विद एल्डरली एजुकेटर्स, विद होम मेकर्स. सो आई डिड फाइंड दैट पीपल आर फुल ऑफ पोटेंशियल, एंड देर इज समथिंग दैट रिस्ट्रिक्ट देम. Maybe sometimes it is their family responsibility, or the extraordinary pressure from the society, or the lack of freedom they have got,
राइट, अदरवाइज दे आर फुल ऑफ पोटेंशियल, दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट एंड द मोमेंट दे विल कॉन्ट्रीब्यूट एट देयर फुल द पिक्चर वुड डेफिनेटली चेंज, राइट. सो इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प मी, इट विल हेल्प द सोसाइटी एंड इट विल हेल्प द एंटायर एनवायरमेंट टू ग्रो इन द बेस्ट वर्जन ऑफ देयर ओन, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. तो हमारी जो काउंसलिंग सर्विसेज हैं वो शुरू होने वाली हैं नेक्स्ट वीक से. पहला क्लास हमारा वेंसडे को होगा फ्रॉम 4 to 6, राइट. दैट इज फॉर ग्रुप काउंसलिंग. फ्रॉम 4 to 5 वी विल बी डूइंग व्हाट्सएप डिस्कशंस, राइट. इफ पॉसिबल वी विल मेकिंग द वीडियो कॉन्फ्रेंस और द जूम क्लासेस. एंड 5 to 6 इट वुड बी ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, इट वुड बी ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल काउंसलिंग. एंड द मैक्सिमम वी विल कवर इज 4 people, right? You can discuss about issues related to or anything, any conflict, any dispute, anything which is, you know, making a fight within you. It may be about your professional development, about parenting, about relationship, about how to manage your time, about how to manage your energy, about how to cope up with your day-to-day life stress, and how to be happy with all the stress around, right? I hope this is clear. Agar aapko mere dwara डेवलप किया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है, आपको लगता है किसी भी तरीके से आपको हेल्पफुल है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ डू लाइक इट एंड प्लीज़ डू शेयर इट. तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे और अपना ध्यान रखें. थैंक यू सो वेरी मच. नमस्कार.